उदयाचल सूर्य को अर्घ देकर छठ महापर्व का समापन इमारतों और उद्यानों में भी मना त्यौहार। सुख और संतति की उपासना के लिए मशहूर छठ महापर्व का आज समापन हो गया। छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अपना आखिरी अर्घ देकर शांति और संतान के लिए प्रार्थना की। हालांकि कोरोना के कारण तालाबों पर बीते साल जैसी रौनक तो नहीं रही, लेकिन छठ व्रतियों की आस्था पहले से ज़्यादा नजर आई। यह नज़ारा खारघर सेंट्रल जेल तालाब का है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैकड़ों उत्तर भारतीय छठ व्रतियों ने परंपरागत ढंग से छठ मैया की पूजा अर्चना की। नवी मुंबई के अलग अलग तालाब घाटों पर भी कमोबेश यही नजारा रहा। हालांकि रबाले के अंबेडकर नगर प्रभाग 19 और 20 में पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने एवं पूर्व नगर सेविका रंजना सोनावने ने छठ व्रतियों की सुरक्षा और आस्था का ख्याल रखते हुए उन्हें कृत्रिम तालाब के तौर पर पानी के टब उपलब्ध कराए, जहां खड़े रहकर उन्होंने भुवन भास्कर को अपना अर्घ्य समर्पित किया। आइए सुनाते हैं छठ महापर्व के बारे में व्रतियों और श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा। पिछले साल से हम सब लोग कितने तकलीफ से गुजरे हैं पिछले 8 महीने में, फिर भी ये छठ मैया का आशीर्वाद ही है कि आज भी लोग आए और इन्होंने पूरा उसी तरीके से किया। हाँ, नए स्वरूप में नए हिसाब से हमें चलना पड़ा, सब मास्क वगैरह सारा कुछ सैनिटाइज किया, सारा मैसेज हम लोग जो नए प्रारूप में है उसको कर रहे हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि तभी भी आज के डेट में सारा लोगों का आस्था का जो पर्व है वो उसी तरीके से जारी है। ज़रूर लोगों की संख्या कम हो गई है, पहले काफ़ी लोग आते थे, अभी कुछ कम लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने घर पे ही किया, लेकिन फिर भी सारा प्रबंध करना और इस चीज़ को अंजाम देना, ये आप लोगों को भी बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया अदा है। लोगों को इतने तकलीफ में भी आना, सारा इंतजाम करना, ये उनके आस्था के ही चलते लोग आ रहे हैं और आगे भी बदस्तूर ये काम इसी तरीके से जारी रहेगा। छठ मैया के प्रति जो आस्था है हमारी, वो शायद हमारे बचपन से ही है और उत्तर भारत का काफ़ी बड़ा पर्व है, जो हम आज भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे छोटे बच्चे जिसको देखें, समझें और हमारी भावनाओं को समझें जिसके साथ हम पले बड़े हैं। और इस इंतज़ाम में और इस व्यवस्था में ये हो पा रहा है कि मुंबई में भी हम, मुंबई शहर में भी हम अपने बच्चों को हमारी आस्था, हमारे उत्तर भारत का जो पूरा कल्चर है वो दिखा पा रहे हैं। तो जो व्यवस्था आपने की है उसके लिए आपका धन्यवाद, और ऐसे ही हर साल होता रहे। इस साल थोड़ा सा पहले से कम हो पाया, लेकिन फिर भी हर चीज़ जो होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए संपूर्ण तरीके से हुई है। छठ माता की पूजा में कि ये एक निराकार पूजा होती है, यहाँ किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। जो ब्रह्मांड में 5 चीज़ें अवस्थित है, जैसे जल, वायु, मिट्टी, हवा और अग्नि, ये 5ों की पूजा इस छठ महापर्व में की जाती है। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए पूरे हिंदुस्तान ने कहिए, अब पूरे विश्व में भी बहुत सारे जगहों पे छठ पूजा मनाया जाता है। और इसमें पावनता
और इसकी जो शुद्धता है यही इसका आस्था है। और आज देखिए कोरोना के बावजूद जो कोरोना महाकाल है पिछले मार्च से लगातार चला आ रहा है और इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद जो है लोगों में आस्था है और सारे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लोग अपने अपने जगह पे, कोई घर में, कोई अपने बिल्डिंग में, कोई आम स्थान पे, पानी वाले जगह पे पूजा करने के लिए आ रहे हैं। और ये छठी मैया ने ही ताकत दी है कि इस कोरोना में पूरे नियमों का पालन करते हुए लोग इस पर्व को बड़े उल्लास से मना रहे हैं। ये हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें कि 4 दिन का ऑलमोस्ट व्रत होता है और बाकी सारे रिश्तेदार हम लोग सारी रात ऑलमोस्ट जगते हैं, सुबह घाट पे आते हैं और उगते हुए सूरज का दर्शन करते हैं। और खारगढ़ के लोग, यहाँ के जो सारे हमारे हेल्पर्स हैं, जिन ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस पैंडेमिक में भी उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा आयोजन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है और धन्यवाद करना चाहेंगे दिल से। मैं 36 घंटे का कम से कम बिना जल की जो जिन्होंने मतलब कि ये व्रत किया है वो 36 घंटे बिना जल का व्रत करती हैं और जब सुबह का अर्घ हो जाता है उसके बाद से ये पानी का सेवन करती हैं, तो ये एक तरह से बहुत ही तपस्या जैसा है और ये एक बल भी देता है। इसमें सूर्यदेव की आराधना होती है और हमारे बिहार में, यूपी में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ महाराष्ट्र में गणपति जैसे मनाते हैं वैसे ही हमारा बिहार में ये छठ और यूपी में ये छठ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वन ऑफ दी मेजर फेस्टिवल है हमारा और ये हर घर मनाया जाता है। मैं शशिनाथ ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाथ इन्वेस्टमेंट, सभी छठ व्रती को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं पिछले 20 साल से LIC के काम कर रहा हूँ और इस घाट पर भी काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। हर एक साल में लोगों को एक कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेरा भगवान से यही प्रार्थना है, सूर्यदेव जो से यही प्रार्थना है कि तमाम जो लोग हैं उनको शक्ति प्रदान करें और इस समय भी जो कोरोना वायरस का टाइम है इसमें सबको इसको सहने की शक्ति दें और जल्द से जल्द ये माहौल ठीक होना चाहिए। मेरा यही शुभकामनाएँ सबके लिए। जी, मैं सबसे पहले तो शासन प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि सारे चीज़ के बाद भी लोग अपने आस्था के लिए आए, पूजा किए, शासन प्रशासन सहयोग किया और सबसे बड़ा सहयोग खारघर पुलिस को दे रहा हूँ कि जो खारघर की पुलिस है उन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और लोगों की आस्थाओं को देखते हुए दूरी बना के रखिए, सारे चीज़ जो भी सरकार के नियमों का पालन करते हुए लोगों ने छठ पूजा अपने मनाए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नगर पालिका को धन्यवाद देता हूँ, वार्ड ऑफिसर को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने जो है सारी चीज़ को रोक लगाते हुए फिर भी कहे कि भाई दूरी बना करके, और पेपरों में भी आया कि आप अपने सुरक्षा स्वयं करिए और उस सुरक्षा के साथ लोगों ने पूजा किया। और छठ भक्तों को भी धन्यवाद देता हूँ कि बड़े शांतिपूर्वक से और अपने नियमों को पालन करते हुए पूजा किए और लाख लाख बार धन्यवाद यहाँ के पुलिस को देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।